अस्सलाम वालेकुम, मैं अभी गुलबर्ग पुलिस स्टेशन आया हूँ। तो मैम ये बताएंगे ये रेनोवेशन किस चीज़ की जा रही है? बेसिकली हम रेनोवेशन एक नहीं दो हो रहे हैं। अच्छा, जिस रेनोवेशन साइट के ऊपर आप खड़े हुए हैं ये बेसिकली है स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन की रेनोवेशन। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सिप्स होते क्या हैं? सिप्स बेसिकली है कि हम लोग जो हमारा फ्रंट एंड है पुलिस स्टेशन का, जिसमें हमारा SHO बैठता है, फैसिलिटेशन ऑफिसर बैठता है, और जहां लोग दरख्वास्त देते हैं जिसे हम फ्रंट डेस्क कहते हैं, उसको मुहर्रर और मुहर्रर के अफसरों और उसकी हवालात से अलग कर दिया जाए। पीछे हमारी वो सिलसिला चला जाएगा, सामने वाली जो चीज़ें हैं वो यहाँ ये आ जाएंगी। ठीक है। और जो पीछे भी एक मैंने देखी थी रेनोवेशन हो रही थी, वो बेसिकली हो रही है, हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, वो साहिबान का कॉन्सेप्ट है। और साहिबान के कॉन्सेप्ट में ये कि जितने भी DSP साहिबान, जिसमें आप भी अब शामिल हैं, और ASP साहिबान के दफातर हैं, उसके अंदर रश बेसिकली सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा पब्लिक डीलिंग और पार्टीज को सुना जाता है SDPO, जिसे हम सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर कहते हैं, उसके लेवल के ऊपर, यानी कि आपके लेवल के ऊपर। तो जब हम इतनी ज़्यादा पार्टीज़ को सुनते हैं तो हमारे पास यहाँ वेटिंग एरियाज नहीं थे, तो हमने ये डिसाइड किया अपर कमांड ने कि SDPO लेवल के अंदर हम लोग वेटिंग एरिया भी दें और कॉन्फ्रेंस रूम्स भी दें, जहाँ वो लोग यूनियन के लोगों को, ट्रेडर्स को, बाकी स्टेक होल्डर्स को सुन भी लें और एक अच्छे तरीके से लोग SDPO के दफ्तर जो है वो आ भी सके। अच्छा है, क्योंकि लोग मैं जिस तरह पहले ही बोला है कि लोगों की जितनी ज़्यादा हम ईज कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा काम है, तो बस आप जिस तरह पंजाब पुलिस के अंदर रेनोवेशन और लॉजिस्टिकल डेवलपमेंट का जो सिलसिला शुरू हो गया है वो कैसा लगा? नहीं, बहुत अच्छा है, क्योंकि जिस तरह आप बता रही हैं वो उसमें लोगों को और ज़्यादा ईज होगी, क्योंकि हम लोग वैसे भी वेटिंग से, वैसे भी हमारी कौम ऐसी है कि हम वेट नहीं करते क्योंकि हमारे में इतना सब्र नहीं है, लेकिन अगर ऐसी फैसिलिटी जिस तरह आप बता रहे हैं कि उनके एक वेटिंग एरिया बनाया जाएगा, कॉन्फ्रेंस रूम बनाए जाएंगे, तो उसमें अच्छा है कि वो आके अच्छे तरीके से, अगर ओबियसली जब आप बिज़ी होते हैं तो वो वेट कर सकें और उनको तंग करने वाला ना हो, तो ये बहुत अच्छा एग्जाम है। और इंशाल्लाह मतलब अब आपने ये डिसाइड कर लिया कि जब हमारी इनॉग्रेशन होगी गुलबर्ग पुलिस स्टेशन की, सिप्स की और साहिबान की, तो तब आप ज़रूर डेफिनेटली मैं ज़रूर आऊँगा, ज़रूर आऊँगा, क्योंकि एक तो फोर्स है, दूसरा मैं अपने जो हमारे मुल्क के लोग हैं उनके लिए आऊँगा, क्योंकि मैं वो देखूँगा कि यार वो, क्योंकि अगर मैं उस चीज़ को देखूंगा तो वो ईज़, क्योंकि हमने जितना ज़्यादा ईजी कर सकते हैं लोगों के लिए वो बेहतर होता है। और अगर आपको DSP रियल लाइफ के अंदर सर्व करने का मौका मिलता तो आप गुलबर्ग में सर्व करते या ना करते? नहीं नहीं, मैं डेफिनेटली करता, गुलबर्ग में भी करता और मैं अपने इलाके में भी करता। आपका इलाका भला कौन सा है? मेरा मियाँवाली। अच्छा, दैट्स वेरी नाइस, थैंक यू फॉर बीइंग हियर, थैंक यू सो मच।